हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि डेडपूल 3 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है, और साथ ही ये भी कंफर्म हो गया है कि डेडपूल के तीसरे पार्ट में हम सभी का फेवरेट कैरेक्टर वुल्वरीन भी नजर आएगा। जी हाँ, और आपको जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी कि वुल्वरीन के रोल को ह्यूज जैकमैन ही प्ले करेंगे। ये सुन के काफी अच्छा लगा। वुल्वरीन और ह्यूज जैकमैन का कैरेक्टर हमारी जहन से नहीं निकल सकता। जिस तरह से एक्समैन के सभी पार्ट में ह्यूज जैकमैन ने वुल्वरीन का रोल प्ले किया है, वो तारीफ के काबिल है। तो ये काफी अच्छी बात है कि ह्यूज जैकमैन ही वुल्वरीन के रोल में नजर आएंगे। बाकी डेडपूल के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, इतना तो है कि जो एमसीयू कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। सोचो, जब स्क्रीन पर डेडपूल और वुल्वरीन एक साथ नजर आएंगे तो कैसा लगेगा। तो डेडपूल का तीसरा पार्ट एमसीयू के फेज 6 में होगा, और ये फिल्म 6 सितंबर 2023 नहीं बल्कि 2024 में रिलीज होगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे डेडपूल और वुल्वरीन के बारे में, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म दृश्यम 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप विजय सालगांवकर और उनकी फैमिली को देख सकते हैं। कल यानी कि 29 सितंबर को दृश्यम 2 का टीजर रिलीज होगा। जी हाँ, दृश्यम 2 का टीजर आने वाला है। दृश्यम 2 18 नवंबर को रिलीज होगी। कल ही अजय देवगन ने अपने सोशल मीडिया पर दृश्यम फिल्म के कुछ खास सबूत शेयर किए थे। यहाँ इन फोटोज और फर्स्ट लुक में एक बात कॉमन है, और वो है तारीख 3 अक्टूबर। पहले तो लगा था फिल्म का टीजर 2 या 3 अक्टूबर को रिलीज होगा, लेकिन अब जब कल फिल्म का टीजर रिलीज होगा तो देखना होगा कि 2 या 3 अक्टूबर को क्या होता है। मुझे जहां तक लगता है 3 अक्टूबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा। तो अब देखते हैं 3 अक्टूबर को क्या होता है। और 5 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म राम सेतु का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। राम सेतु के टीजर को काफी पसंद किया गया है, तो अब देखते हैं फिल्म का ट्रेलर कैसा होता है। राम सेतु फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज होगी। सलमान खान और अक्षय कुमार के बाद अब अजय देवगन भी एक डबल हीरो फिल्म में काम करने वाले हैं। खबरों की माने तो एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म होगी जिसे नीरज पांडे डायरेक्ट करेंगे। नीरज पांडे ने ही बेबी, स्पेशल 26 और अय्यारी फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो अब नीरज पांडे एक और फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अजय देवगन को तो पहले से ही कन्फर्म कर दिया गया है। वहीं अब खबरों की माने तो आयुष्मान खुराना भी लीड रोल में नजर आएंगे। तो बहुत जल्द एक और डबल हीरो फिल्म की घोषणा होने वाली है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो गया है, और इसी साल नवंबर से फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। SSMB 28 के सेकेंड शेड्यूल की शूटिंग 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। SSMB 28 एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसे त्रिविक्रम श्रीनिवास डायरेक्ट कर रहे हैं। महेश बाबू की ये फिल्म 28 अप्रैल 2023 को रिलीज होगी। और पुष्पा 2 की शूटिंग भी अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होगी। खबरों की माने तो अक्टूबर से अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन पुष्पा 2 2023 दिसंबर में रिलीज होगी। आने वाले कुछ दिनों में आमिर खान की अगली फिल्म अनाउंस होने वाली है। मुझे ये सुन के काफी अजीब लगा कि आमिर खान एक और रिमेक फिल्म करने वाले हैं। जी हाँ, भले ही लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है, लेकिन आमिर खान एक और रिमेक फिल्म करने वाले हैं। आमिर खान की ये फिल्म स्पेनिश कॉमेडी ड्रामा फिल्म कैंपियंस की रिमेक होगी। फिल्म को सुमंगल जादव सावधान फिल्म के डायरेक्टर RS प्रसन्ना डायरेक्ट करेंगे, और आमिर खान फिल्म के लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो गया है, और बहुत जल्द फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी। तो अब देखते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। भूल भुलैया 2 की जोरदार सफलता के बाद डायरेक्टर अनीस बज्मी एक सुपर हीरो फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं। अभी कुछ दिनों पहले अनीस बज्मी की अगली फिल्म अनाउंस की गई थी, जिसे जी स्टूडियो प्रोड्यूस करेगी। तो ये वही फिल्म है जो एक सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म होगी, जिसे अनीस बज्मी डायरेक्ट करेंगे। फिल्म की कहानी पर काम चल रहा है, और बहुत जल्द कलाकारों की घोषणा की जाएगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म में किस एक्टर को साइन किया जाता है। शिवा कार्तिकी की एक्शन कॉमेडी फिल्म डॉक्टर हिंदी डब में आने वाली है। डॉक्टर फिल्म को आप 9 अक्टूबर को रात 9 बजे गोल्ड माइंस टीवी चैनल पर देख सकते हैं। और कार्तिकेय 2 की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। कार्तिकेय 2 5 अक्टूबर को G5 पर आने वाली है। G5 पर आप इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी भाषा में देख सकते हैं। तो इन दोनों फिल्मों में से आप किस फिल्म के हिंदी डब का इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।